सूरजपुर में आज देवला गांव के पास 130 मीटर रोड के एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त भरत को गोली लगी है। ये अभियुक्त थाना सूरजपुर में 8 जनवरी को एक पेट्रोल पंप के पास से 8 लाख की लूट हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था और पूर्व में इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दिल्ली गाज़ियाबाद के लूट के हैं और पुलिस काफ़ी दिन से इसके पीछे लगी हुई थी। आज पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसको अरेस्ट करने की कोशिश करी और इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और 10,000 रुपये कैश लूटे हुए, जो 8 तारीख जनवरी को लूट हुई थी, वो बरामद हुए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें तोड़ के। गाड़ी कहाँ भाई?